बारिश में खुली ग्राम भभुआ जालौन की सफाई व्यवस्था की पोल, जलमग्न हुआ ग्राम भभुआ। जिला जालौन के ग्राम भभुआ में बारिश के पानी से नालियों और आरसीसी रोड पर कीचड़ के दलदल से भरा पड़ा, जिससे ग्रामवासियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नवनिर्मित प्रधान पूर्व प्रधान पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नवनिर्वाचित प्रधान ने बताया कि पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में यूपी सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के लिए प्राप्त धनराशि से खुद का विकास किया है। जिला के आला अधिकारियों और नेताओं से पूर्व प्रधान के अच्छे तालमेल से ग्राम पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ। नवनिर्मित प्रधान जी द्वारा समस्त ग्रामवासियों को विश्वास दिलाया कि गांव की समस्त समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा। हमारे संवाददाता जिला जालौन से अनुज कुशवाहा के साथ उपेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। मैं खड़ा हूँ जनपद जालौन के ग्राम भभुआ में और इनकी देखें क्या हालत हुई है। बारिश के कारण यहाँ पे देखिए कहीं पे सफाई नजर नहीं आ रही है और ना कोई आवास योजना। चलिए इनसे पूछते हैं क्या हुआ जी, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है सर, 20 साल से कोई आवास नहीं है, गरीब अग्निकांड से हमको कोई नहीं मिला है। तो आप इसके आवास के पात्र थे? जी सर। तो भी आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया सर। प्रधान जी के पास गए क्या? प्रधान जी के घर गए थे राम का, उन्होंने नहीं सुना है। प्रधान जी दूसरे आ गए हैं, जो सुनाई तो अभी जो नए प्रधान जी हैं आपने कुछ बोला है? हाँ बोला था। क्या बोला है? बोला था आवास के लिए सर पात्र है। क्या कहते जी? बोले मिलेगा। मिलेगा जी सर। जी पिछली बार भी आपको ऐसा कहा गया था मिलेगा, लेकिन अभी भी ऐसा भी बोल रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। अभी कोई उम्मीद नहीं हुई है? नहीं कोई। शौचालय बनाया आपका? शौचालय भर मिला था सर, भी बनवा लिया हमने। शौचालय में कितने पैसे मिले थे आपको? हमको मिले थे 12,000 रुपए। 12,000 रुपए मिले थे। तो राशन मिल रहा है आपको? राशन मिलता है सर कुछ है। और इसके बाद में जनता को हम तो यही विश्वास देना चाहते हैं कि अब हम बने, हमारा कार्यकाल आया है, अब हम जनता के साथ अच्छा करेंगे, साफ सफाई बहुत अच्छे से रखेंगे अपनी ग्राम पंचायत में अबोरी। अच्छा, और जो कि मैंने देखा था अभी, मैं अभी गया था रास्ते में, और मैंने जितने भी सारी अभी जैसे मैं भी रास्ते में जाके देखा तो वहाँ पे कई जगह पानी भरा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रास्ते में गंदगी बहुत ज़्यादा पड़ी है। हाँ तो उसको हम सही करवाएंगे, जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि उसको हम सही करवाएंगे अच्छे से, और अच्छे से अपना काम करेंगे और अच्छे से साफ सफाई में पूरा विशेष ध्यान देंगे। और जो कि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे सफाई अभी तक नहीं हो रही है, कई लोग ग्रामीण कह रहे थे कि सफाई अभी चल नहीं रही है यहाँ पे, बताइए क्यों सफाई नहीं हो रही है अभी? सफाई यहाँ पे अभी बोल रहे थे सफाई कर्मचारी कुछ ढीले हैं और वो अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे, और वो 10-15 साल से वो यही ग्राम पंचायत पकड़े हैं, वो अच्छे से काम नहीं करना चाहते हैं। लाभार्थी हमें सभी शिकायत देते हैं कि प्रधान जी सफाई नहीं होती है, हम बार बार उनसे कहते हैं कि भैया आओ थोड़ा गाँव में आप सफाई पर थोड़ा ध्यान दो, वो कहते हैं अरे प्रधान जी हम देते हैं, और जनता बोलती है कि देते ही नहीं है सफाई, और जब हम जाके मतलब गाँव में जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि देखो प्रधान जी ये सफाई नहीं हो रही, सब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, क्या करें। और जो मैं भी गया था अभी वहाँ पे, मेरी गाड़ी भी वहाँ जाके फंस चुकी थी, मैं आगे जाके गया तो गाड़ी रख के भी मुझे जाना पड़ा अंदर के लिए। बाकी कहीं तो मैं ये ऐसा नहीं होता कि मैं गाड़ी से जाता हूँ बराबर, लेकिन यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी थी, हम लोगों को जाना पड़ा है, और इसी कारण देखिए वहाँ कितनी गंदगी पड़ी हुई है, काफ़ी खड्डे हैं और कच्ची रास्ताएँ भी हैं, उसके बारे में बताइए ज़रा। हाँ उसको अब हम ठीक करवाएंगे, अब हमारा कार्यकाल आया उसको हम ठीक करवाएंगे, अच्छे से अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे उस पर, और सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर काम करेंगे।